कितना ट्राई किया, क्या करूं अभी, फिर भी बॉडी नहीं हो रहा है। ये शर्ट जो है फिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। टी शर्ट कितना पतला हो, बाकी लोग को देखो कॉलेज में कितना अच्छा बॉडी लेके घूम रहा है, मेरा बॉडी नहीं हो रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल COREFITLAB। मेरा नाम है अभिजीत और ये सेम जो चीज़ है 2008-9 में मेरे साथ होता था कि इतना पतला था, टी शर्ट वगैरह जो है वो फिट नहीं होते थे और बहुत बुरा लगता था। जब कॉलेज जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, लोग ताना देते थे। तो आज मैं वो दिन को याद करते हुए आप लोगों से, जो लोग स्टूडेंट हो उन लोग को विदाउट सप्लीमेंट एक गेनिंग डाइट बताने जा रहा हूँ, जो एग्जैक्टली वो गेनिंग डाइट है जो मैं वहाँ पे करते थे। बट कुछ चीज़ वहाँ पे था, पैसे के लिए मैं नहीं कर पाते थे। आज वो छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सप्लीमेंट्स नहीं, कोई भी सप्लीमेंट्स यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ खाना रहेगा। बट कुछ छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, आप लोग एक गेनिंग अच्छे से कर पाओ। वो चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा जो आप लोग चाहते हो कि एक अच्छा खासा बाइसेप्स मसल जो है वो डेवलप हो जाए और आप कॉलेज जाके इम्प्रेस कर सको सबको, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को। बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का काम है। एक साल आपको मिनिमम देना है ये डाइट को फॉलो करते हुए और आपको एक अच्छा खासा गेन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो भी मैं दिखाऊंगा वो बजट फ्रेंडली होगा ताकि जो स्टूडेंट एफोर्ड नहीं कर पाते सप्लीमेंट्स, हेवी खाना, जो कॉस्टली खाना है, उन लोग के लिए बहुत बहुत हेल्प होगा। बट मुझे लगता है कि जो जो मैं चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा वो सारा चीज़ आपका घर में अवेलेबल है और उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगते, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं यहाँ पे उसका कॉस्ट भी यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, कितना क्या कॉस्ट हो रहा है। बहुत ही कम खर्चे में ये डाइट प्लान जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग को काम है कि आप लोग जैसा जो दोस्त है आपका, उन लोग में ये जो डाइट प्लान है इसको शेयर कर दो। और ईच एंड एवरी डाइट प्लान यहाँ पे मैं बनाया स्टूडेंट लोग के लिए, ठीक है। पकड़ लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सुबह जिम जाता हूँ, ठीक है। सो प्री वर्कआउट में क्या ले सकता हूँ? प्री वर्कआउट में बेस्ट ऑप्शन है 2 रुपीज वाला जो कॉफी है वो ले लीजिए, ठीक है। मस्ट वो ले लीजिए आप, और साथ में आप ले सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा नट्स, मतलब ये जो नट्स है ये ना पानी में, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे भिगोया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सो ओवरनाइट ये जो नट्स है ये ऐसे पानी में था, अभी इसको आपको क्या करना है, ऐसे आपको इसका जो छिलका है इसको निकालना है और आपको खाना है गुड फैट के लिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, चार पाँच। और उसके साथ आपको एक बनाना, ठीक है, ये आपको खाना है। और ये सेम चीज़ मैं करता था, सिर्फ उस टाइम कॉफ़ी नहीं पीते थे। तो ये है, अभी बात आता है कि प्रोटीन का, प्रोटीन क्या लूँ? अभी बेस जो सोर्स है वो है आपका एग्स, ये एग्स आप ले सकते हो। बट ये जो पूरा जो खाना है ये खाना को आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले, ठीक है। वर्कआउट करते हुए हाफ एन आवर पहले आपको इसको पूरा लेना है। अभी चलिए वर्कआउट करके आते हैं। वर्कआउट करके आने के बाद हम लोग देखते हैं कि पोस्ट वर्कआउट हम लोग क्या लेते हैं। मैं क्या लेता था 2008 में, ठीक है, वो दिखा। सो एक चीज़ वहाँ पे बोलना भूल गया था कि ये जो डाइट प्लान जो है ये बेसिकली मैं 55 टू 63 केजीज के अंदर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसी टाइम जब ये जो डाइट प्लान मैं फॉलो करते थे वो ऑलमोस्ट 2009-10 का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी टाइम मेरा 55-56 ऐसे कुछ वेट था, उसके हिसाब से ही मैंने प्लान किया ये डाइट प्लान को। तो जो लोग ये वेट कैटेगरी के अंदर है उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो अभी पकड़ लीजिए कि मैं वर्कआउट करके आया, सो पोस्ट वर्कआउट में क्या लेने वाला हूँ। तो ये है आपका सत्तू, ठीक है। मुझे पता नहीं कि ये जो सत्तू है ये सब जगह मिलता है कि नहीं मिलता है, बट कोलकाता में यही मिलता है। और आज से नहीं, 2008-9-10 तब से मुझे यही मिलता था। और ये बेस्ट है, मतलब क्वालिटी इसका बेस्ट है। अभी इसका प्रोफाइल क्या है, इसका 100 ग्राम में आपको मिलेगा 25.95 ग्राम आपका प्रोटीन। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ही ज्यादा है, 63.80, जिससे आपका गेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपका फैट जो है वो है आपका 4.59 ग्राम्स, और टोटल शुगर 1.83 ग्राम्स, ठीक है, लो साइड में ही है। टोटल एनर्जी जो है आपका KCL जो है आपको मिलेगा 405.64। तो ये इसका एक 100 ग्राम लेने से आपका एक पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो कम्प्लीट। तो अभी पैसा नहीं है तो BCAA कहाँ से खरीदूँ? तो BCAA का ऑल्टरनेटिव क्या है, आपका डेट्स, ठीक है। ये है आपका खजूर, ठीक है, मतलब मिल जाएगा आपके घर में ही मिल जाता है, देख पा रहे हो आप लोग। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, मैंने लाइट को ऑन कर दिया यहाँ पे। तो देखिए ये है डेट्स, खजूर। सो ये है BCAA का नेचुरल BCAA सोर्स, बट इसमें शुगर का कंटेंट भी रहता है। बट क्या करें, अभी पैसा नहीं है तो यही खरीदना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा फॉर BCAA। सो ये है BCAA, और ये है आपका क्या है, सत्तू। तो चलिए इसको देखिए, मैं इसमें 100 ग्राम सत्तू देते थे, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा ये देते थे, वो क्या बोलते हैं, लेमन नींबू। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। अभी मेरे पास लेमन जो है वो नहीं है, तो मैं नॉर्मली नमक डाल के ही इसको पी लेता हूँ। आपके पास, आपको कोई आइडिया है सत्तू पीने का तो वो आप अप्लाई कीजिए। तो मेरे पास यही है अभी, और मेरे पैसा जो है वो बहुत कम है, मैं स्टूडेंट हूँ तो इसके लिए मैं इतने से ही काम चला रहा हूँ। और ये जो पैकेट का प्राइस है ना, इसका प्राइस है आपका 16.50 रुपीज, बट ये मिलता है आपका 14 या फिर 13 ऐसे मिल जाता है 100 ग्राम, ठीक है। तो ये है आपका सत्तू, पोस्ट वर्कआउट आप इसको ले सकते हो, स्टूडेंट लाइफ में बहुत बेहतरीन है। और जैसे जैसे आप इनकम करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, तब वे प्रोटीन आप कंज्यूम कर लेना। सो अभी चलिए प्रिपेयर करते दोपहर का जो लंच है वो, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक है आपका सोया मिनी चंक्स या फिर एग्स, ठीक है। मैं इससे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर डेली मैं यही कंज्यूम करते थे, 3-4 साल तक लगातार सोयाबीन का जो वेजिटेबल्स होता है, जो घर में जो कुक किया जाता है वही बनते थे। तो ये करीब जब पानी को सोक कर लेगा तब जाके करीब के करीब 50 ग्राम्स के आसपास बन जाएगा। और ये जो पैकेट जो है, ये पैकेट है आपका टोटल 45 ग्राम्स का, ठीक है। और इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन पर 100 ग्राम में देखिए 53.919 ग्राम्स, बहुत ही ज़्यादा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 33.5 ग्राम्स, टोटल शुगर इसमें ज़्यादा है 7.18 ग्राम्स, बाकी प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे हो। सो सर्विंग साइज बोल रहा है 25 ग्राम, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वही दिया, बट जैसे ही पानी में दिया ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सो अगर आपको सोया अच्छा नहीं लगता है तो आप जाके एग्स ले सकते हो दोपहर को राइस के साथ, 3-4
5 जितना आपको जरूरत है आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो वेट कैटेगरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 55 to 65 kg, उनमें आपको दोपहर को 2 फुल एग्स आप लीजिएगा और 3 एग वाइट्स लीजिएगा, 3, ठीक है, टोटल 5 एना फिश। सो अभी जो चीज़ है कि इसका जो पानी है, वाटर जो है, उसको यहाँ से निकालना है, ठीक है, और देखते हैं कि क्या वेट होता है, ठीक है। थोड़ा गर्म है, पूरा वाटर जो है वो निकल दे रहा हूँ। तो ये हो गया 50 ग्राम 60 ग्राम्स हो गया, ठीक है, इतना ही है ना फिर, बट ये है तो मैं इसको कर लेता हूँ कुक, और बहुत ही हेल्दी तरीके से करूँगा इसको कुक, ठीक है। एक अच्छा रेसिपी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जिस। सो यहाँ पे थोड़ा सा गुड फैट जो है, क्या है, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा नमक। अभी जो सोयाबीन जो है वो यहाँ पे दे दिया, तो थोड़ा सा टेस्ट सही करने के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं चाट मसाला, सिर्फ टेस्ट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा भी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए यहाँ पे। केचप ऐड करेंगे, बस इतना ही। अभी हो गया, लास्ट में आपको ऐड करना है ठीक है, बस ग्रेवी के लिए, ठीक है, अगर नहीं करते हो भी चलेगा, बट ये ग्रेवी के लिए मैंने ऐड किया क्योंकि राइस के साथ खाना है, ज़्यादा ड्राई होने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये मील जो है वो रेडी हो गया सोया का, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ का जो डाइट होता है, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया था, सोयाबीन, राइस और वेजिटेबल्स, ठीक है। सो अगर आपके पास बजट कम है चिकन पनीर ये सब खाने का, तो ये बहुत बढ़िया है। और देखिए ऑप्शन है आपके पास एग्स, अगर आपको आपको लगता है कि आप सोयाबीन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तब एग्स एक ऑप्शन हो सकता है, जो मैंने आपको बोला 5 eggs 55 kg to 65 kg का जो कैटेगरी है उनमें 5 eggs लंच के टाइम में विथ ये वेजिटेबल्स, ये आपका स्पिनच है एक्चुअली, तो बेहतरीन, मतलब बेहतरीन एक लंच का ऑप्शन है, आप लोग देख पा रहे हो। सो अभी बात आता है इवनिंग स्नैक्स का, ठीक है, इवनिंग स्नैक्स में आप क्या ले सकते हो, तो यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में सबसे इजीएस्ट और प्रोटीन और अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ गुड फैट के साथ एक ही खाना आ सकते हैं, एक ही डिश आ सकते हैं जो मैं बनाया यहाँ पे, और जो मैं उस टाइम ब्राउन ब्रेड जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते थे, वाइट ब्रेड जो है वही कंज्यूम करते थे, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास ब्राउन ब्रेड है इसलिए दिखा रहा हूँ। सो ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हो 2 slices, गुड फैट के लिए आप इधर ले सकते हो अमूल का जो बटर है उसको आप स्प्रेड कर सकते हो ब्रेड में खा सकते हो, और अगर अमूल बटर आपके पास नहीं है आप खरीद नहीं सकते हो अमूल बटर, फिर जाके आप ये जो नट्स जो है नट्स, ठीक है, पीनट्स, ये पानी में जो पूरा रात जो आप भिगोया वो नट्स को आप खा सकते हो, इतना सही, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना सही, ज़्यादा मत खाओ, सुबह थोड़ा सा
शाम को थोड़ा सा, ठीक है। और प्रोटीन के लिए बेस्ट ऑप्शन एग्स, इसमें दोपहर सॉरी इवनिंग में हम लोग लेंगे एक फुल एग और दो एग वाइट्स, ठीक है। बस खत्म आपका जो न्यूट्रिशन है, बहुत बेहतरीन एक न्यूट्रिशन है। सो गाइस अभी बाकी रह गया आपका डिनर। सो यहाँ पे पहले मैं ये बोल दूँ कि कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मेरा जो डिनर क्या रहते थे वो मैं आप लोग को बोल दूँ। देखिए ज़्यादा खाना जो है खा नहीं पाते थे उस टाइम, उतना एपेटाइट उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम था। तो ऑलमोस्ट मुझे जितना दूर याद है 200 ग्राम राइस होते थे, उसमें थोड़ा दाल, हाँ, और सब्जी अगर होते थे तो सब्जी। और एक चीज़ आप लोग को बोल दूँ कि जो सिचुएशन था उस टाइम 2011-12 जो फिनेंशियल जो सिचुएशन था उतना खास नहीं था, जिसके लिए चिकन आप सोचना छोड़ दीजिए, महीने में एक बार दो बार होते थे घर में। सबसे ज़्यादा होते थे आपका एग्स, ठीक है, वीकली दो बार, और उसको छोड़ के भी डेली जो हम लोग खाते थे वो मीठा पानी का जो फिश होता है, मछली जो होता है, छोटा छोटा जो फिश होता है, जैसे कि तेलापिया हो गया, कोई माछ करके एक आता है, बंगाली में बोलते हैं कोई माछ, तो ये सब जो मछली होता है वो हम लोग खाते थे। तो क्या ही बोलूँ मैं, जो भी है जो सिचुएशन जिस टाइम जैसा है जैसे वैसे ही बड़े हुए, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली खुद को और भी इम्प्रूव किए हैं, ताकि अभी जो डाइट मेंटेन कर रहे हैं वैसा डाइट मेंटेन कर पाऊँ। जो भी है आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या सिचुएशन से हम लोग जाते। सो अगर आप लोग डिनर करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा रोटी आप लोग, बट ऐसा नहीं कि आप 8-10 रोटी खा लो, 2-3 रोटी सफिशियंट है, उसके साथ सब्जी। और मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को पनीर, अगर पॉसिबल नहीं है पनीर तो जो सोयाबीन मैंने दिखाया वो सोयाबीन ही आप ले सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है रात को लेने का, आपको डर लग रहा है कि सोयाबीन लेने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप फिश ले लो, छोटा छोटा जो फिश होता है मार्केट में मिल जाते हैं कम प्राइस में, उसमें भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन रहते हैं, तो छोटा फिश मीठा पानी का वो फिश ले सकते हो, 2-3 फिश कड़ी करके आप बोल सकते हो घर में देने के लिए, उससे भी आप कर सकते हो। अगर वो भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वो भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं खाते हम लोग, मछली अच्छा नहीं लगता है, वो भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि आप जो चना जो है, चना का जो दाल है, समझ पा रहे हो ना, चना का जो दाल है वो चना का दाल एक कटोरी आप रोटी के साथ कंज्यूम कर सकते हो वेजिस के साथ, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा पनीर, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है और बहुत बेहतरीन आपका केसिन का फॉर्म में आपको हेल्प करते हैं बॉडी में, मसल रिकवरी में, स्लो स्लो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा और आपको पूरा रात जो है आपको हेल्प करेगा, तो ये आप कर सकते हो। बाकी आपका सिचुएशन क्या है वो मुझे पता नहीं, जो देख रहा है ये वीडियो को मुझे पता नहीं उनका सिचुएशन क्या है, जैसे आपका फिनेंशियल कंडीशन है जैसे आप कर सकते हो ट्राई कीजिए, अच्छे से डाइट को फॉलो कीजिए। और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, आई थिंक मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है डिटेल में तो इंस्टाग्राम में जाके DM करो COREFITLAB में, लेट होगा बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा।